गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आपका क्लास 10 का आपका सब्जेक्ट हिंदी का आपका यह क्या है मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो आज आपका हिंदी का जो आपका मैराथन सेशन होने वाला है, जो आपका आज आपको इस वीडियो में आपको 5 सेट को करने वाले हैं। आज इस मैराथन सेशन में आपका 5 सेट अर्थात आपका 205 × 40 यानी आपका हो गया आपका 200 क्वेश्चन आपका हिंदी का आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को इस वीडियो पे करने वाले हैं, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आने वाला जो हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हिंदी का 5 सेट को एक ही वीडियो में देखेंगे और एक ही बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको हम एक्सप्लेन के साथ यह वीडियो आपको कराने जा रहे हैं। तो आपका आज जो होगा आपका 200 क्वेश्चन का मैराथन सेशन होने वाला हिंदी का क्लास 10 जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। चलिए आपका यह आपका फर्स्ट सेट है, इसी तरह आपका 5 सेट देखने को मिलेगा ये वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि सभी का बहुकल्पीय प्रश्न है, अर्थात MCQ रहेगा, 40 फुल मार्क्स का 40 रहेगा और टाइम कितना रहेगा 1.5 घंटा। तो इसके लिए सभी को पता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या रहेगा, एक अंक क्या करेगा निर्धारित किया जाता है और आपका 4 विकल्प प्रश्न में से कोई एक विकल्प को चुनना है, जो आपका गलत उत्तर के लिए अंक नहीं, कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा यानी निगेटिव मार्क्स नहीं है। चलिए तो आपका आप सभी जानते हैं कि ये आपका अपठित गद्यांश खंड को में रहता है, अपठित गद्यांश और काव्यांश। तो इस तरह से आपका यह पैसेज आपको पढ़ना होता है, पैसेज पढ़ के क्या करना होता है उत्तर देना होता है। जैसे देखिए पैसेज को हम आपको इस तरह से आपको यह कर रोक दे रहे हैं, वीडियो को आप रोक करके पढ़ लीजिएगा, ये आपका पैसेज है। ठीक है, जैसे घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है, समय जा रहा है कुछ कर लो कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आता है। इस तरह से आपका यह पैसेज है जो अपठित गद्यांश है, इस तरह से पैसेज को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा, या देखिए यहाँ से पैसेज को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या एक बार आप पैसेज को यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, फिर इसको स्लाइड को हम ऊपर करते हैं, इसके बाद फिर आपका इस तरह से आपका पूरा पैसेज आपका इस तरह से आप पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो उसका जो क्वेश्चन है उसको हम करा दे रहे हैं, क्योंकि टाइम क्या है बहुत ही कीमती है, समय क्या है बहुत ही कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ और पैसेज को पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन करना है इस वीडियो में। इसलिए आपको सभी को इतना तो आता है कि पैसेज पढ़ करके उसका उत्तर देने के लिए आपको आता है, पैसेज पूरा पढ़ेंगे, पैसेज में सब लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी पैसेज मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो कहीं घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप पैसेज को अच्छा से पढ़ेंगे और उस पैसेज को पढ़ के उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे, या फिर सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या करा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे पैसेज का क्या क्वेश्चन है, तो आपको जैसे पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो करना क्या है, पैसेज पढ़ने का नियम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे घड़ी निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है, तो पूरा पैसेज आपका जो पढ़ लीजिएगा, पैसेज का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सबसे पहले, तो बाद में पैसेज पढ़ेंगे क्या होगा आपको वो क्वेश्चन का आंसर आपको जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको अपने आप माइंड क्या हो जाएगा रुक जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को भी पहले पढ़ लेंगे उसका पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा आपको आसानी होगा उसका उत्तर खोजने में। चलिए इस प्रश्न का जो इस पैसेज का क्वेश्चन आपका है, घड़ी की निरंतर सरकती सुइयां क्या कहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कुछ कर लो, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है, कुछ कर लो, ये आपका पैसेज में लिखा हुआ है, आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे आपको सारा आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया, तो आपको समय की परख का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, गांधी जी ने जो है समय की परख का जो है अधिक महत्व बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवन की कुंजी क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समय का मूल्य समझकर काम करना, ये आपका जीवन की कुंजी है, समय का मूल्य समझकर काम करना। चलिए अब नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा उधेड़बुन में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उधेड़बुन करने में जो है अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण को खो देते हैं। ये आपका इस तरह से आपका अपठित जो आपका गद्यांश था, इससे आपका 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन और आपका एक एक नंबर का रहेगा। आपका 4 नंबर आपका अपठित गद्यांश से आपको मिल जाएगा, आसानी से आपको 4 नंबर आपको मिल जाएगा। पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ करके आप क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़कर आपका उसका 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे, 4 नंबर को आसानी से आ जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट जो आपका है अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश आपका इस तरह से रहेगा। आपका एक जो आपका जो काव्यांश है आपका इस तरह का कविता रहेगा, ये आपका बुक का नहीं रहेगा। अपठित का मतलब क्या, बुक से बाहर रहेगा। ये आपका कविता वैसे पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ करके उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। हम जितना आपको करा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाने का संभावना रहेगा, क्योंकि पहले भी 5 मॉडल सैंपल क्वेश्चन अपलोड है, या भी अभी आज का वीडियो में 5 सेट है। तो इस तरह से आपका 10 सेट हो जाएगा। आप 10 सेट को देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आपका लगभग चांसेस रहेगा आप कुछ अच्छा करने का। हाँ देखिए, तो आप 10-5 सेट पहले से अपलोडेड है, उसको भी प्ले लिस्ट में जाकर के खोजिए, और प्ले लिस्ट में आपका हिंदी का जो MCQ क्वेश्चन है मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे 5 सेट अपलोड है, उस 5 सेट को देखिए। फिर आपका ये आपका अभी जो 5 सेट इसमें रहेगा 10 सेट हो जाएगा। आप दोनों वीडियो देखिए, और व्याकरण का भी वीडियो बना हुआ संपूर्ण व्याकरण का, उसको भी देखिए, और आपका क्रिया का भी अलग से वीडियो बनाया है, क्रिया सकर्मक कर्मक का, उसको भी देख लीजिए। और आप जाइए, सभी प्रश्न मुझसे आपका देखने को मिलेगा। ये आपका कविता, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। इस तरह का आपका एक कविता है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसका हम आंसर करा दे रहे हैं, क्योंकि समय व्यर्थ में नहीं देना है, क्योंकि समय आपके लिए अभी बहुत कीमती है, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए, तो यह आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ बताया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कायर बन के चुपचाप रहना क्या है कवि के अनुसार, यह जीवन को व्यर्थ बताया, कायर बन के चुपचाप रहना। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय क्या होता है। इसका जो सही उत्तर होगा दुख से रोना, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा दुख से रोना। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का जो आशय है, जो मीनिंग होता है, उसका अभिप्राय, उसका अर्थ होता है दुख से रोना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, कवि मनुष्य से क्या करना चाहते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य कायर मत, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मनुष्य जो कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, तो मनुष्य कायर बनकर ना रहें। कवि का कहने का मतलब है, मनुष्य को यह बता रहा है कि मनुष्य जो है वह कायर बनकर ना रहे, ये आप कवि का कहना चाहते हैं मनुष्य से। चलिए पथ चूमे तरकस, इसका अर्थ क्या होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पथ में काटे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पथ में काटे हैं का मतलब होता है पथ चूमे तर्कस। इस तरह से आपका 4 आपका अपठित काव्यांश से था, 4 क्वेश्चन और एक एक नंबर का रहा था आपका 4 नंबर आपका, ये दोनों से हो जाएगा। तो आप देखें कि खंड को जो आपका था अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों मिला के आपका 4-4-8 नंबर आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा खंड को में। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आता है आपका खंड खो जो आता है, खंड खो आपका क्या है व्याकरण का होता है, क्या होता है व्याकरण। व्याकरण आपका खंड खो में आपका यहाँ से आपका 9 नंबर से लेकर के आपका जो 9 नंबर से आपका 21 नंबर तक, आपका 9 से जो है 21 नंबर तक आपका जो क्वेश्चन है यह क्या है आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। और व्याकरण आपको 9 से आपका 21 नंबर तक जो आपका है वो व्याकरण का है। इसके लिए व्याकरण के लिए संपूर्ण वीडियो आपको बना दिए। आपका कितना नंबर हो गया, 11 मतलब 12-13 नंबर का आपका इस सेक्शन से रहता है, यानी खंड खो आप कर लेते हैं तो आपको 12-13 नंबर आपका आ जाएगा। 12-13 नंबर आपका अप्रॉक्सीमेट है, 12-13 नंबर आपको यहां से व्याकरण से आ जाएगा। और आप व्याकरण का वीडियो हम आपको बनाएं, आप उस वीडियो को आप देख लीजिए 2-4-5 बार, और निश्चित रहिए 12 नंबर आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा। 12-13 नंबर आपको वहाँ से आने वाला है व्याकरण का वीडियो से, इसलिए उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको 12 नंबर आपको कम नहीं होता है। 12 नंबर आप आ जाएगा तो इधर आपका पैसेज से आ जाएगा 8 नंबर, तो कितना हो गया 12-8-20 नंबर आपका ऐसे ही आ जाएगा हिंदी में। उसके बाद इसके लिए फिर एक वीडियो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, शाम तक में आपको अपलोड कर देंगे। ये वीडियो आपको रहेगा पूरा बुक का, आपका काव्य का जो उसमें आपका वहाँ से फिर आपको 10-11 नंबर आ जाएगा। तो आपका 30 नंबर का तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 नंबर का हिंदी में आपको गारंटी आपका ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। 3-4 वीडियो देखेंगे आपको 30 नंबर का गारंटी है। आप पूरा वीडियो को देखिए 4-5 बार, ये आपका ग्रामर जो आपका व्याकरण जो आपका खंड खो में, इससे आपका 12-13 नंबर का जो पूछा जाता है
पूछा जाएगा, तो आपको वीडियो आपको प्रोवाइड है, वीडियो को आप चैनल में अपलोडेड है उसको देखिए, और सभी प्रश्न उससे आपको आने आने वाला है जो आने वाला एग्जाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका व्याकरण जो सेक्शन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका 9 नंबर जो व्याकरण में है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो आपका सकर्मक होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो यह जो आपका सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्ता और क्रिया केवल उपस्थित हो जबकि कर्म उपस्थित नहीं हो वह क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया। उसके लिए भी आपको हम एक वीडियो चैनल में अपलोड है अकर्मक और सकर्मक का, इसमें क्रिया का पूरा क्वेश्चन क्रिया का कराया हुआ है, इसको भी आप देखेंगे तो आप सकर्मक अकर्मक से आपको जो भी समस्या हुआ दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो क्या हो जाए, बंदर नाचता, यह क्या आपका अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें जो है आपका कर्म नहीं है। बंदर नाचता क्या अकर्मक क्रिया, कर्म नहीं है, जबकि गीता पद पढ़ती है क्या सकर्मक है, रोहित ने गीत गाया वो भी सकर्मक है, रमेश पुस्तक पढ़ता ये सब क्या सकर्मक, क्योंकि ये सभी में जो है सकर्मक क्रिया में क्या होता है आपका कर्ता कर्म और कर्म, कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित रहता है, और जो जिसमें कर्म नहीं रहता वह अकर्मक क्रिया होता है। बंदर नाचता वो आपका ये आपका अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर 2 उसका सही हो जाएगा। जो आपका आपका एक वीडियो आपको जो चैनल में जो अपलोडेड है सकर्मक अकर्मक, उस वीडियो को देखते हैं तो अब 2-3 नंबर आपका वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैंने संदेश भिजवाया क्रिया का भेद बताना, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन नंबर क्या है वो 4 है। मैंने संदेश भिजवाया, देखिए अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो या क्या है कर्मक, जो क्या है सकर्मक, जिसमें कर्म उपस्थित हो तो कर्ता कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म हो वह सकर्मक, द्विकर्मक जिसमें दो क्रिया होता है दो कर्म होता है उसको द्विकर्मक बोलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब वो खुद से नहीं करके किसी और के द्वारा माध्यम से वो करवाता है उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो आप उस वीडियो को देखेंगे उसमें बहुत सारा चीज़ एग्जाम्पल और बहुत सारा परिभाषा भी बताया गया है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा जो आपको अकर्मक और सकर्मक का वीडियो जो बना के चैनल में अपलोड है, इसलिए उस वीडियो को देखिए जरूर से देखिए आपको हर सेट में 4 नंबर आपको उससे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने संदेश भिजवाया तो किसी के द्वारा भिजवाया, मैंने खुद से संदेश नहीं भेजा है, मैं खुद उसको संदेश नहीं पहुँचाया, वो किसी के द्वारा, मैंने संदेश भिजवाया मतलब वो किसी और से करवा रहा है, तो इस तरह का जो क्रिया होता है वो क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, किसी और के द्वारा प्रेरित करके उसको करा रहा वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए सारा परिभाषा बताया वो उस वीडियो में, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है तो क्या आपका इसमें क्रिया बताना है, तो आपका सुनाती है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्रिया से है, क्या है क्रिया से, इसलिए क्रिया का वीडियो आप देखने के लिए नहीं भूलिए, क्रिया वीडियो आप देखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपका क्रिया वाला वीडियो से आ जाएगा, सकर्मक अकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया आपको आसानी से आपको 4-5 नंबर आपको आ जाएगा। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है तो सुनाती है क्या आपका क्रिया है, क्रिया पद छाटना है तो सुनाती है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया या क्या, इसमें कौन सा वाच है, तो वाच आपको कल का वीडियो में आपको बताएं यह क्या है कर्मवाच है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका 2 सही हो जाएगा। द्वारा जहाँ पर भी मिलेगा, द्वारा आपको मिलेगा पहचान लीजिए वो कर्मवाच है, क्या है कर्मवाच है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वो क्या होता है कर्म की प्रधानता होती है वो क्या होता है कर्मवाच, और जिस वाक्य में कर्ता प्रधान कर्ता की प्रधानता होती है वो क्या होता है कर्तृवाच, और जो इमोशनल होता है वो क्या है भाववाच। तो उसके लिए भी वीडियो हम बनाएं आप उसको देखेंगे, आपका ग्रामर का संपूर्ण व्याकरण का उसमें सभी तरह का वीडियो आपको सभी तरह का टॉपिक को शामिल किया गया, और आपको नहीं भी तो 12-13 नंबर उस वीडियो उस एक वीडियो से आपको आने वाला है व्याकरण का संपूर्ण व्याकरण से। चलिए कर्तृवाच जो है वाक्यों में कर्ता का कार्य करती है क्या होता है प्रधानता होती है, अभी आपको बताएं कर्तृवाच क्या करता है वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है उसको क्या बोलते हैं कर्तृवाच, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गर्मियों में खूब आम खाया वो क्या आपका भाववाच, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। गर्मियों में खूब आम खाया वो क्या है भाववाच का उदाहरण है। चलिए यथाशक्ति कौन सा समास है अव्ययीभाव समास को भी उस वीडियो में आपको बहुत अच्छा से बताएं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। 12-13 नंबर आपका व्याकरण का जो खंड है आपका खंड खोज आपका कंप्लीट उस वीडियो से आपको सभी क्वेश्चन उससे लड़ेगा, इसलिए उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। यथाशक्ति जो आपका यथाशक्ति कौन सा समास है आपका अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है जिसमें क्रिया कर्ता कारक और आपका लिंग वचन ये सभी का क्या हुआ उस पर प्रभाव नहीं पड़ता उस क्या बोलते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। यथाशक्ति कौन सा समास है अव्ययीभाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसको समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक
शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जलज, जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन नहीं है, बादल। यह भी आपको वहाँ पर आपको मिलेगा उस चैनल में, अनेकार्थी शब्द का भी, सभी अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द का भी टॉपिक को शामिल किया गया, वो वीडियो में सभी टॉपिक को शामिल किया गया है, इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए गए हैं, बनाए हैं, इसलिए आप उसको ज़रूर देखिए। जलज जो है कमल, मोती, मछली, यह सभी क्या उसका अनेकार्थी शब्द है, जबकि बादल उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद हैं आपका समानिधिकरण और व्याधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए ये आपका मैराथन सेशन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए समय को ज़्यादा नहीं लगे इसके लिए, हम उसमें बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेन आपको चाहिए तो आपका वीडियो उसमें अपलोडेड है, ग्रामर सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ अपलोडेड वीडियो है, इसलिए यहाँ पर हम केवल आंसर करा दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये आपका रिविजन है, ये आपका मैराथन सेशन जो है आपका रिविजन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो समय तो लगेगा, इसलिए इसमें रिविजन के लिए वीडियो बनाए, ये रिवीजन के पर्पज से वीडियो बना रहा है, आपको कम समय में पांचों सेट आप करके जाइए, रिवीजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। चलिए समुच्चयबोधक अव्यय दो प्रकार के होते, कौन, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा उचित अव्यय होगा, के बिना, के बिना अव्यय आपका यहाँ पर भरेंगे तो क्या होगा, वह सही हो जाएगा। विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। मिश्रवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष जो है वह उपवाक्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मिश्रवाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो वह आश्रित उपवाक्य होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका खंड ख भी हम लोगों ने कर लिए। अब खंड ग देखते हैं, खंड ग में क्या होता है आपका, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, खंड ग ये क्या है, अपठित गद्यांश होता है और एक आपका अपठित काव्यांश होता है, दोनों आपका चार चार आठ नंबर का होता है, इससे आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा आठ नंबर, जो बहुत ही आसान है। इसको पढ़ेंगे, बाल गोविंद भगत, मंजुले कद के गोरे और चिट्ठे आदमी थे, आप इस तरह से पैसेज को आप पढ़ लेंगे, जो अपठित, सॉरी पठित रहेगा वो बुक से रहेगा, पठित गद्यांश जो आपका बुक से रहेगा, इसका और पठित काव्य भी रहेगा, यानी उसमें दोनों किताब का रहेगा, दोनों बुक का ही रहेगा, टेक्स्ट बुक का रहता है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बाल गोविंद भगत वाला आपका है स्टोरी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये पैसेज को पढ़ के उसका उत्तर करना होता है। चलिए यहाँ से भी आपका दिख रहा है, इस तरह से आप उसको पढ़ लेंगे, हम इसका आंसर करा दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। देखिए बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, क्या था, मंझोला, ये पैसेज में लिखा हुआ है, गद्यांश में लिखा हुआ है, जो पठित है किताब का ये गद्यांश है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, मंझोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तुलसी की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की माला बांधे रहते थे। चलिए ये आपका इसमें दो आपका पैसेज रहेगा, इसमें जो पठित गद्यांश में आपका दो क्वेश्चन करके आपका दो गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश आपका हो गया, अब दूसरा गद्यांश देखिए यहाँ पर, इससे भी दो क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपका इसमें पठित में दो गद्यांश रहता है और दो काव्यांश रहता है, और अपठित में एक गद्यांश और एक काव्यांश रहता है, इसमें आपको दो गद्यांश करना होगा, दो दो नंबर का चार नंबर हो जाएगा, और दो काव्यांश भी करना होगा, दो दो चार नंबर का। ये आपका गद्यांश को पढ़ लेंगे, अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, इस तरह से आप उसको पढ़ लेंगे अच्छा से वीडियो को रोक करके। देखिए अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में, ये कहाँ हुआ था, डुमराव में, पैसेज में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, कौन कौन एक दूसरे के उपयोगी हैं, तो सहनाई और डुमराव, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, आप पैसेज पढ़ के आपको उसका आंसर कर दीजिए। 8, 8, 16 नंबर तो आसानी से आ जाएगा आपका हिंदी में, 8 नंबर आपका पठित गद्यांश और काव्यांश से, और 8 नंबर अपठित गद्यांश और काव्यांश से, तो 8, 8, 16 तो ऐसे ही आ जाएगा, और आपका इधर आपका 12, 13 नंबर आपका पैसेज सॉरी ग्रामर से आ गया, तो आप इसके बाद आपका एक आपका 12 नंबर का फिर आपका पैसेज आ रही, क्या बोलते हैं, रात में आपका अपलोड कर देंगे पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर, पूरा बुक का टोटल संपूर्ण टेक्स्ट बुक को उसमें शामिल किया जाएगा, जो आपको 40 नंबर में आपका 35, 30, 35 आपका 3-4 वीडियो देखने से आपको गारंटी है कि इतना नंबर आ जाएगा, क्यों 3 वीडियो 4 वीडियो आपको आपके लिए रहेगा, और चारों वीडियो से देखने से आपको 30+ यानी 35+ भी आ सकता है अच्छा से करने पर। चलिए 4-5 वीडियो देखने से आपको हिंदी में 35+ आपका मार्क्स आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप फुल पूरा वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपका क्या है, ये तो हो गया। चलिए अब पठित काव्यांश भी दो को होता है, देखिए तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये आपका इस कविता से है, इसलिए इस तरह से पढ़ लीजिएगा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान वाला कविता है। चलिए इसका ये आपको पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन किया हुआ है,
प्रस्तुत कवि का नाम क्या है, यह क्या आपका नागार्जुन के द्वारा वो कविता लिखा गया है, दंतुरित मुस्कान, क्या है नागार्जुन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दंतुरित मुस्कान का, दंतुरित का अर्थ क्या होता है, नए नए दांत, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दंतुरित का क्या अर्थ होता है, नए नए दांत। इस तरह से आपका एक काव्यांश से 2 नंबर मिलेगा और एक और काव्यांश रहता है जो कि आपका दोनों को पढ़ने से आपको मिलेगा 4 नंबर पठित में। चलिए बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, ये जो है किस कविता से लिया गया था, आपको हम सामने आप एक वीडियो आप प्रोवाइड करेंगे, पूरा बुक का पूरा काव्य सेक्शन को ले लेंगे, उससे आपका 8 नंबर वहाँ से भी आ जाएगा, इसलिए उस वीडियो को हम सामने अपलोड करेंगे तो आप उसको भी देखेंगे। इसके बाद आपको पूरा हिंदी में 35 प्लस आपको आने वाला है 3-4 वीडियो देखने से। चलिए यहाँ पर जो आपका यह जो लाइन लिखा हुआ है, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, यह रचयिता इसका कौन है, कवि का कौन क्या है, तो वह तुलसीदास के द्वारा वह कविता को लिखा गया है, तुलसीदास का कवि है। चलिए नेक्स्ट आपका है, यह पंक्तियों का अलंकार कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। प्रैक्टिस कर लेंगे, यह रिविजन क्लास है, आप उसके बाद नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। आप देखिए यह जो आपका इसके बाद 30 से जो 40 तक आपका जो टेक्स्ट बुक का है, इसके लिए टेक्स्ट बुक के लिए एक हम वीडियो रात में अपलोड करेंगे जो आपका पूरा टेक्स्ट बुक रहेगा और उससे आपका 10 से 11 नंबर आपको आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियाँ की स्थिति कैसी हो गई, तो आपका विरह की आग में जगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियाँ की स्थिति कैसा हो गया, विरह की आग जगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण नव संचार की ओर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुख गायक की आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, मुख गायक की आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी थी, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पष्ट सुख, अस्पष्ट सुख, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, तो छालवा छलावा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसको आप असमंजस भी बोल सकते हैं मृग तृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ माता का अंचल में मधुरे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन में गलती यदि होता है, एक आध क्वेश्चन मान लो मिस्टेक से गलती हो जाता है या फिर बुक में गलती है, तो उसके लिए आप खुद सुधार लीजिएगा, क्योंकि हर एक बुक में कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती है, कुछ ना कुछ असुविधियाँ रहता है, और टीचर से भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, बस आपका क्या है, आपको बस आप तैयारी खुद करते हैं, बस मेरे पढ़ाने से आपका कुछ तैयारी में क्या होगा, वो कुछ सपोर्ट हो जाएगा, बस बूस्टअप हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, थोड़ा सा गलती किसी से हो जाता है तो बस इसको इग्नोर करने सीखिए और आपको और आप आगे निरंतर बढ़ते रहिए। गलती सभी इंसान से होती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ा बात नहीं है, इंसान से गलती होता ही है और सबसे होता है, तो इसलिए बुक में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं तो उसको आप इग्नोर करिए और आप सुधार के आप आगे बढ़ते जाइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बुक में कुछ ना कुछ गलतियां हैं और सभी टीचर से भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, आप खुद सुधार करके आप आगे बढ़ते रहिए। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जिंदा नाक लगा दी जाए, क्या सुझाव दिए, जिंदा नाक लगा दी जाए, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिए, जिंदा नाक लगा दी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से की सीखी, तो आपका नेपाल की युवती से, जो साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना जो है आपका लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी, तो वो नेपाल की युवती से, नेपाल देश की युवती से, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कैप्टन कौन था, तो आपका चश्मा बेचने वाला था, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, लेखक ने खीरा खाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि आत्मसम्मान के रक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है आपका है, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अब नेक्स्ट सेट आपका है, ये आपका हिंदी का सेट 2 है, क्योंकि एक सेट का डिस्कशन करा चुके हैं, अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट 2 आपका, आज 5 सेट को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सेट आपको देखते हैं, नेक्स्ट सेट का यह जो आपका यह क्या है आपका, यह गद्यांश है, अपठित गद्यांश, उसको आप पढ़ लेंगे,
ये जो आपका अपठित गद्यांश है इसको क्या करेंगे आप, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद जैसे आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ, ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको वहाँ पे पैसेज लड़े नहीं लड़े उससे मतलब नहीं, आपको कोई भी पैसेज रहेगा, कोई भी गद्यांश रहेगा, उसको पढ़ के आपको उत्तर करने के लिए आराम से आप कर लीजिएगा। इसलिए उसको इसमें समय लेना ही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी पैसेज रहेगा उसको आप वहाँ से पढ़ लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, पैसेज पढ़ने का क्या मतलब, बुक आपके पास भी होगा, सभी के पास वह बुक अवेलेबल है, बस आपको बस प्रैक्टिस करा रहे हैं। यानी रिवीजन है, क्विक रिवीजन, आपको कम समय में रिवीजन कराना है। मेरा उद्देश्य है कि आपको सभी क्वेश्चन को याद करा देंगे, मेरा उद्देश्य है आपको सभी क्वेश्चन का आंसर याद करा देना और रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। और कुछ नहीं, सभी आप जानते हैं। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में किसके लिए किया गया है, तो वरदान, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, वरदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में टेलीविजन की जगह क्या होता है, तो आपका क्या होता है, स्क्रीन होता है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया, स्क्रीन होता है। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह जो हुआ क्या होता है, स्क्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका है चिप का आकार कितना बड़ा होता है, तो आपका आदमी के नाखून के बराबर, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। चिप का आकार कितना बड़ा होता है, आदमी के नाखून के बराबर। आप पैसेज को पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ लिखा हुआ है, आप पैसेज को पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं, पैसेज पढ़ेंगे आपको वहाँ पर पैसेज मिलेगा, पूरा पढ़ के आपको उत्तर खुद से कर लीजिएगा। 16 नंबर तो बहुत ही आसान है, और व्याकरण का वीडियो आपका 12 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। फिर किताब टेक्स्ट बुक का वीडियो और जल्द अपलोड करने वाले हैं, इस तरह से आपका 35 प्लस सभी को आने वाला है, 4-5 वीडियो देखने से। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, श्रम साध का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। श्रम साध का क्या अर्थ है, कठिन परिश्रम। अब नेक्स्ट जो आपका अपठित काव्यांश है उसको आप इसको कर लेंगे, तो यहाँ से भी क्या होगा आपको, 4 नंबर आने वाला है। तो चलिए, ये आपका पैसेज कविता है, इस कविता को पढ़ेंगे और पढ़ के आपको कोई भी कविता रहेगा इससे कोई मतलब नहीं, आपको कविता को आप पढ़ेंगे और पढ़ के आपको उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बुक आपके पास भी है, आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इस तरह से आप वीडियो को रोक के भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर हम करा दे रहे हैं। चलिए, इसका जो आंसर आपका है, कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। प्रकृति जो है कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। कविता क्या प्रेरणा देती है, यह जो कविता है क्या प्रेरणा देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर कर्म, निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है यह कविता। निष्क्रिय शब्द का प्रयुक्त उस उपसर्ग क्या है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निस, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। निष्क्रिय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, निस, जो आगे जो लगाता है उसको बोलते हैं निष्क्रिय, और जो बाद में लगता है शब्द का, किस शब्द के पीछे जुड़ता है उसको, देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और आपका बाद में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको 7 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव जीवन किससे सुशोभित है, तो आपका क्या हो जाएगा, बुद्धि और बल से, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। मानव जीवन किससे सुशोभित है, तो बुद्धि और बल से। अब आपका नेक्स्ट खंड, आपका जो खंड खो आप गया व्याकरण, व्याकरण को देखेंगे। चलिए, व्याकरण का वीडियो आप जरूर से जरूर देखिए, आपको वहाँ से 13 नंबर आपको आने वाला है, 12-13 नंबर। देखिए, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रियापद छाटना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा अकर्मक क्रिया। किशन बहुत तेज दौड़ रहा है क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसमें कर्म क्या है वो नहीं है, या फिर इसका परिभाषा आपको डिटेल जानना है तो वहाँ पर बताया था, इसका जो उस वीडियो में आपको सभी चीज़ लिखा बताया हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो वह क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। जिसमें कर्ता और क्रिया उपस्थित हो और कर्म ना हो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। चलिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जज ने अपराधी को सजा सुनाई, जज ने अपराधी को सजा सुनाई, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, सुनाई, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। सुनाई क्या है वो क्रिया है। दूध पिया नहीं जा रहा यह क्या है, कर्मवाच है, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच होता है। छत पर कैसे सोया जाएगा, ये आपका क्या है, भाववाच है। जितना भी आपका क्वेश्चन आपको ग्रामर में कराया उसको आप देखिएगा, संपूर्ण व्याकरण में सभी प्रश्न वहाँ पे आपको मिलेगा, और परीक्षा में भी जो भी प्रश्न आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा उस वीडियो से। चलिए, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर जाकर देखिए संपूर्ण व्याकरण का वीडियो को, और आपका अकर्मक सकर्मक का अलग से वीडियो है उसको भी देखिए, और 5 सेट जब आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर उसको भी आप जरूर से जरूर देख के जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
मुझसे अब चला नहीं जाता, या इसमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं अब चल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर एक इसका हो जाएगा मैं अब चल नहीं सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीला है जो कंठ नीलकंठ, या इसमें कौन इसका समास वगैरह क्या है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही, वहाँ पे समास का भी वीडियो आपका उसमें संपूर्ण व्याकरण में आपका समास का भी टॉपिक को शामिल किया गया है। तो चलिए नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा कर्मधारय। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन आपका क्या है अवैभाव समास है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अवैभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य और दूसरा अर्थ क्या होता है गुड्डी, यह भी आपको वहाँ पर कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुड्डी। पतंग का जो अर्थ है वो एक अर्थ क्या है सूर्य और दूसरा अर्थ क्या है गुड्डी। ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। ले अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बालक चांद की ओर देख रहा है, यह तो बहुत ही आसान है। देखिए ये सब आपको प्रैक्टिस आप बार बार वीडियो को देखिएगा आपको याद हो जाएगा, और सभी का जो है 35 प्लस आने वाला है अब चार पांच वीडियो देखने से, इसलिए इसमें सही अवयव क्या है आपका और बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वह रात और दिन मेहनत करता, आपको देखने से समझ में आ जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा वह रात और दिन मेहनत करता, इसमें सही अवयव क्या हो गया और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है, तो आपका सरल वाक्य है। क्या आपका सरल वाक्य है, ग्रामर वाला वीडियो को आप देखिए, व्याकरण का संपूर्ण व्याकरण का जो वीडियो इसमें सभी बात इसमें बताया गया है, सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, और परिभाषा भी आपको कराया, परिभाषा और उदाहरण भी बहुत सारा कराया हुआ, इसलिए आप वहाँ पर जाके देखेंगे। ये आपका मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है रिवीजन वीडियो है, मैराथन सेशन है, इसमें आपको बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें आप रिवीजन करा रहे हैं, आपको रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहे हैं, और आपको रिवीजन होगा तो आपको क्या होगा याद हो जाएगा क्वेश्चन, और इसके बाद क्या होगा आप नंबर लेके आ जाएंगे। चलिए अब उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो उस वीडियो में सब बताया हुआ है, सब चीज़ का एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चा दूध पीकर सो गया, यह किस तरह का वाक्य है, ये आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सरल वाक्य बच्चा दूध पीकर क्या होगा सो गया, यह क्या है किस तरह का वाक्य है आपका सरल वाक्य। नेक्स्ट आपका जो खंड वो है आपका पठित गद्यांश और पठित काव्यांश जो आपका आठ नंबर यहाँ से आता है। चलिए यहाँ पर आपका एक क्या है पान वाले, इसमें आपका एक कहानी है जो आपका हवलदार साहब वाला, इसको आप पढ़ेंगे किताब आपको पढ़े होंगे तो आपको बहुत कुछ पता होगा। चलिए इसका जो आंसर है होगा पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा पान। पान वाला तो पान बेचता था इसलिए मुंह में क्या ठूसा था पान, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीन इसका सही हो जाएगा। लेकिन कहानी पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, आप आसानी से कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आपके लिए एक वीडियो हम लाएंगे रात में जो आपको इसमें पूरा टेक्स्ट बुक को हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। चलिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैप्टन। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था कैप्टन, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट दो को इसमें पठित गद्यांश में दो गद्यांश रहता है, दो दो नंबर का चार नंबर का, इसलिए इसमें दो है एक आपका बाल गोविंद भगत वाला, इसको आप पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका जो क्वेश्चन होगा इसको हम करा दे रहे हैं। चलिए पैसेज को पढ़ लेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गा रहे थे। चलिए भगत जी का बेटा कैसा था, तो सुस्त और वोदासा था। ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। भगत जी का बेटा कैसा था, सुस्त और वोदासा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं आपका पठित काव्यांश में भी आपका दो काव्यांश रहेगा, इस तरह से काव्यांश कविता को पढ़ लेंगे और कविता को पढ़ के आपको उसका उत्तर करना होता है, उस कविता को आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, वीडियो को रोक करके हम इसका आंसर करा दे रहे हैं। चलिए यह जो कविता है इस कविता में दो क्वेश्चन जो है आपका इस पदांश के जो है कवि कौन है, इसका कवि कौन है सूरदास, ये जो कविता आप देखें इसका कवि कौन है सूरदास के द्वारा यह कविता लिखा गया है। गोपियाँ किसकी अन्याय भक्ति थी, किसकी कृष्ण की। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। गोपियाँ किसकी अन्याय भक्ति थी, और कृष्ण की। अब देखिए नेक्स्ट आपका काव्यांश है आपका दो काव्यांश रहता है, दोनों काव्यांश को पढ़ेंगे आपको दो नंबर मिल जाएगा। चलिए यह पठित रहे बुक का रहता है क्योंकि वो पठित काव्यांश है, यह आपका कविता आप देख लीजिए, कविता को आप आराम से वीडियो को रोक करके क्या करेंगे पढ़ लेंगे,
उसके बाद इसका जो है आंसर हम आपको करा दे रहे हैं। चलिए ये जो कविता है आप देख रहे हैं, इसका कवि कौन है? इसका कवि कौन है? ऋतुराज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ऋतुराज। आपका एक वीडियो आपका अपलोडेड है, पूरा कविता का नाम, कवि किस, ये कविता पूरा कविता किस, कौन कौन कविता का कवि कौन है, किस कहानी का लेखक कौन है, ये आपका विषय सूची पर जो वीडियो बनाया उसको भी आप देखेंगे, वहाँ से आपको 2-3 नंबर आपको आ जाएगा कि आपका कौन सा कवि ऋतुराज के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, सूरदास के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया, गिरजाराज के द्वारा क्या लिखा गया है। इस तरह से आपको वो भी विषय सूची वाला वीडियो भी आपका अपलोडेड है, उसको भी आप देखेंगे, वहाँ से आपको 2 नंबर आपको आ जाएगा। चलिए ये आपका जो कविता है वो किसने लिखा है? ऋतुराज। ऋतुराज के द्वारा यह कविता लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। काव्यांश में अंतिम पूंजी किसे कहा गया? बेटी को। किसको कहा गया? बेटी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऋतुराज का जो कवि है उसमें अंतिम पूंजी किसको कहा गया? बेटी को। इस तरह से आपका एक काव्यांश हुआ, एक और काव्यांश रहता है, 2 काव्यांश दोनों हो गया। चलिए दोनों हो गया। अब आपका टेक्स्ट बुक का आपका क्वेश्चन आंसर है जो आपको यहाँ से 11-12 नंबर आपको वहाँ से आता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? इसका योग का संदेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उद्धव जो है आपका कृष्ण का जो है योग का संदेश लेकर के आया था। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि एकटक कौन निहार रहा था? इसका आंसर है आपका शिशु को। किसको निहार रहा था? शिशु को। माँ के लिए अंतिम पूंजी कौन सी है, क्या है? तो पुत्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। माँ के लिए अंतिम पूंजी क्या है? पुत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बोनीपुरी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता, आप उस विषय सूची वाला जो वीडियो को देखिएगा तो आपको यहाँ से 1-2 नंबर आपको वहाँ से आ जाएगा। बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? आपका रामवृक्ष बोनीपुरी। अब नेक्स्ट आपका नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? देखिए इसलिए आपको बोल रहे हैं इस वीडियो को आप जरूर से ज़रूर देखिए, नेताजी का चश्मा का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। क्या है? स्वयं प्रकाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अब पदार्थ वस्तु किसे कहा जाता है? तो खीरे को। किसको कहा जाता है? खीरे को। ऑप्शन नंबर 1 है, लखनवी अंदाज जो है आपका पाठ के आधार पर अब पदार्थ वस्तु किसे कहा जाता है? खीरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी यह भी है पाठ में किसकी कहानी वर्णित है? तो किसकी कहानी वर्णित है? मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। मन्नू भंडारी की कहानी वर्णित है, एक कहानी यह भी है। चलिए यानी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया यह कहानी, एक कहानी यह भी है। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिपष्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा को शांति के लिए क्या कितनी पताकाएँ फहराई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 108 पताकाएँ फहराई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी? तो क्या? सरसों का तेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। मैया जो है सरसों का तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी। अब लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन से खेल खेलता था? तो कुश्ती। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। लेखक जो है बचपन में अपने पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। जॉर्ज पंचम की नाक जो है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? आपका कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की कमलेश्वर। तो आप यहाँ से एक विषय सूची वाला आप कर लेंगे तो 1-2 नंबर आपको वहाँ से आ जाता है, आ जाएगा, क्योंकि सभी कोई भी सेट में आपको देखने को मिलता है। आप परीक्षा में भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, कविता का नाम और कवि का नाम याद रखेंगे, कहानी का नाम और कहानी लेखक का नाम, तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर आपको आ जाएगा। चलिए इस तरह से आपका यह अभी सेट 2 भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब तीसरा सेट देखते हैं हिंदी का, ये वीडियो मैराथन सेशन है, 5 सेट को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए ये सेट 3 है आपका, अभी सामान्य निर्देश अभी सब जान रहे हैं। चलिए ये आपका पठित गद्यांश है, आप उसको वीडियो को रोक करके आप यहाँ से पढ़ लेंगे, जो भी गद्यांश है वहाँ पर कोई भी गद्यांश रहेगा वो आपको बुक से नहीं रहेगा, वो बाहर से रहेगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए पैसेज को पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो को, उसके बाद आपका उसको उत्तर हम करा दे रहे हैं। उत्तर देखिए क्या है, स्वावलंबन का कार्य, स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? अपना सहारा स्वयं बनना। ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो अपना सहारा स्वयं बनना। ऑप्शन नंबर 2 का ही हो जाएगा। और परावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरों पर आश्रित। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो दूसरों पर आश्रित। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर थ्री, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो आश्रय देने वाले लोगों के। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाए। आप पैसेज को पढ़ेंगे उस चीज़ आपको पैसेज में लिखा हुआ है, आप पैसेज को पढ़ेंगे सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए घबराने वाला बात नहीं। पैसेज को आप पढ़ेंगे आपको सब चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर व्यक्ति। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जो है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो आपका अपठित काव्यांश है इसको पढ़ने से भी आपको क्या मिलेगा, चार नंबर आपको आने वाला है, आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को रोक करके आप उसको पढ़ लीजिएगा कविता को, इसके बाद इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका हम आंसर करा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, फूल किसे अपने मधुर रस का पान कराता है, तो भंवरे को। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, भंवरे को जो है फूल अपने मधुर रस का पान कराता है। नेक्स्ट आपका, तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो फूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तितलियों को गोद में कौन लेता है, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं, तो क्या होगा, फूल और कांटे। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, फूल और कांटे एक ही जगह में जन्म लेते हैं। किसी की उंगलियों में कौन छेद कर देता है, तो आप काटें। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, किसी की उंगलियों को कौन छेद कर देता है, तो वो काटें। आप कविता को पढ़ेंगे वहाँ पे आपको सबका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आता है, आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन ख जो आपका व्याकरण है, जो 12-13 नंबर का पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। और व्याकरण के लिए आपका आपको बता दिए कि आपका संपूर्ण व्याकरण का वीडियो है और अलग से आपका एक सकर्मक अकर्मक का वीडियो है, आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, 12-13 नंबर आपको वहाँ से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किसान खेती कर रहा है, इसमें क्रियापद बताना है, तो कर रहा है वो क्या क्रिया है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रीता खाना खाती है, इसमें कर्म मौजूद है इसलिए क्या हो गया सकर्मक है, बाकी क्या है अकर्मक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही आसान है, उस व्याकरण वाला वीडियो देख लेंगे आपको 13 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा। खिलौना किसने तोड़ा, तो इसमें क्रिया बताना है, तो क्या हो जाएगा तोड़ा, कि आपका क्रिया है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, ये किस तरह का वाच है, तो आपका वाच वाला वीडियो देखेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, एक ही वीडियो में सभी है, व्याकरण का सभी वीडियो एक ही में है, बाकी एक आपका क्रिया अगर सकर्मक अकर्मक को अलग किए हैं, बाकी सभी टॉपिक को व्याकरण का एक ही वीडियो में आपको हम करा दिए हैं, इसलिए आप वहाँ पर देखेंगे। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, वो क्या है भाववाचक है, भाववाचक है, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यह लेख मेरी बहन ने लिखा, यहाँ पे वाच बताना है, तो क्या हो जाएगा कर्मवाच। कर्म में क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधान होती है वो क्या होता है कर्मवाच होता है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, तो इसमें कर्तृवाच में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। पुलिस द्वारा आपका यह क्या था, यह आपका कर्मवाच है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया आपका कर्मवाच है, मतलब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको एक्टिव में बनाना है, आपको कर्तृवाच में बनाना है, क्या हो जाएगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आप समझ गए होंगे। चलिए जो अंग्रेजी का भी नॉलेज होगा तो वो जानता होगा कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगे हुई विभक्ति का लोप हो जाता हो, कौन सा समास होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब वहाँ पे ग्रामर वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको सभी समास का परिभाषा बताया गया और उदाहरण भी आपको बहुत सारा कराया गया, इसलिए आप बार बार उसको देखेंगे, यहाँ से आपको 13 नंबर आपको आ जाएगा। चलिए पाप पुण्य किस प्रकार का समास है, तो द्वंद समास, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। पाप पुण्य जो हुआ किस तरह का समास है, द्वंद समास। नेक्स्ट आपका, फल का एक अर्थ जो है परिणाम होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है, खाने वाला फल, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, खाने वाला फल। आप व्याकरण सेक्शन को आप कर लेते हैं तो आपको 12-13 नंबर आपको आसानी से आपको मिल जाएगा, जो कोई कभी भी आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। फिर जो अव्यय, दो तीन बार देखना होगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, जो अव्यय दो पद या दो उपवाक या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। जो अव्यय दो पदों दो उपवाक और दो वाक्यों को जोड़ने परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, उसका प्रकार भी आपको बताएं। देखिए अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है उस वीडियो को आप देखेंगे आपको जानकारी हो जाएगा। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, आपका ये आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट आपका है, आप चाय पियेंगे या शरबत, यह किस तरह का वाक्य है, आपका संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका
अब ग्रामर सेक्शन को भी कर लिए। अब आपका खंड गो आया है, जो पठित गद्यांश और पठित काव्यांश रहता है, दो पठित काव्यांश रहेगा और दो पठित काव्यांश रहेगा, दोनों मिलाकर दो दो चार और चार चार आठ नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको अच्छा से पढ़ लेंगे, ये आपका गद्यांश है, आराम से इसको रोक करके वीडियो को पढ़ लेंगे और पढ़ करके इसका उत्तर आप खुद करने का प्रयास करेंगे परीक्षा में, यहाँ पर हम करा दे रहे हैं। ये आपका अच्छा से पढ़ लीजिएगा और आपको दो नंबर यहाँ से मिल जाएगा, फिर एक और करेंगे दो नंबर मिल जाएगा, इस तरह से एक काव्यांश करेंगे वो भी दो नंबर, फिर और एक काव्यांश, दो गद्यांश और दो काव्यांश आपको मिलेगा परीक्षा में। चलिए, फादर किस रोग से पीड़ित थे, तो क्या था, जहरवाद से, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। फादर जो पीड़ित थे किस रोग से, जहरवाद से। अब नेक्स्ट जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, फादर की आँखें कैसी थी, तो नीली, फादर की आँखें कैसी थी, नीली। चलिए नेक्स्ट आपका एक पैसेज आपका एक गद्यांश हो गया, आप दूसरा गद्यांश आप देख लीजिए, इसको भी आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को रोक कर क्या करेंगे पढ़ लेंगे, वीडियो को रोक करके इस चलिए आप उसको अच्छा से देख लीजिएगा। ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से और वीडियो को रोक करके इसके बाद आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया, तो वो नेताजी का चश्मा से लिया गया। ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं, बार बार सोचते क्या होगा, उस कोमा कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी है, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले को भी हंसती है, तो आपका नेताजी का चश्मा से लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हल्दार साहब किसने कितने दिनों के बाद कस्बे में गुजर रहे, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 दिनों के बाद, हल्दार साहब 15 दिनों के बाद कस्बे में गुजरे, ये आपका पैसेज में लिखा होगा, लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा सब आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से आपका दो गो अपठित पठित अपठित पठित गद्यांश काव्यांश होगा, पठित काव्यांश रहेगा, उसको भी आप पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा आपको दो नंबर और दो गो करेंगे तो चार नंबर। चलिए ये आपका कविता को पढ़ लेंगे, अब इसका उत्तर हम करा दे रहे हैं। प्रस्तुत पद का रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका सूरदास के द्वारा यह कविता लिखा गया है, इसका कवि कौन है, सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह था, तो वह हारिल पक्षी की तरह, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हारिल पक्षी। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह थी, तो हारिल पक्षी की तरह। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो ये आपका एक और आपका क्या है, एक और आपका कविता है, इसको भी कर लेंगे, इस तरह से आपका दो कविता करेंगे, दो नंबर आपको आ जाएगा। यह देखिए कविता आपको दिख रहा है, इसको आप अच्छा से पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके, बादल का जो, तो इस तरह से कविता को पढ़ लेंगे। अब इसका हम उत्तर करा दे रहे हैं, इस पदांश का कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी जो कविता देखें वो किसका, किसका कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आपकी दृष्टि से बादल किसका प्रतीक है, तो पौरुष और क्रांति का, ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, पौरुष और क्रांति का। अब नेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, हाँ, घेर घेर घोर गगन धराधार, ओ यह पंक्ति किस कविता की है, तो आपका उत्साह कविता की, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, उत्साह पंक्ति का यह कविता है, कवि पंक्ति है उत्साह कविता का। चलिए नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की, उसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, नदियों की पानी का यह भी चर्चा किया, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणों, यह भी किया, किसानों की मेहनत इसका भी चर्चा किया, इसका सही उत्तर इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, कन्यादान करते समय किसका दुख वास्तविक था, तो माँ का, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, कन्यादान करते समय किसका दुख वास्तविक था, माँ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग भरा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद भगत से, ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह आपका पंक्ति जो है बाल गोविंद भगत की कहानी से लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, या फिर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन, ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया, असंतोष का, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में जो है असंतोष की भाव दिखाई दिया। चलिए इस तरह से 35 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनु भंडारे की कहानी, मनु भंडारे की जो हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा शीला अग्रवाल, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। मनु भंडारे की हिंदी की जो प्राध्यापिका, मतलब वो जो मतलब वो प्राध्यापिका जो थी, वह इसका नाम क्या था, शीला अग्रवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगटोक नगर किस राज्य में, गैंगटोक नगर जो है किस राज्य की राजधानी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा
सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया था? तो उसको मूसन तिवारी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा वो मूसन तिवारी को कहकर बच्चों ने चिढ़ाता था। अब देखिए लेखक का असल में क्या नाम था? तो तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। लेखक का असल में क्या नाम था? तो तारकेश्वर नाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने का को लेकर बच्चों में बच्चे कब शहीद हुए? तो आपका सन 1932। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बिहार में जो है सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए? तो 1932 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका सेट 3 को भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब सेट 4 को देखते हैं और सेट 4 को इस बार करने वाले हैं। चलिए इस तरह से आपका आज का वीडियो में 5 सेट को करेंगे, जो मैराथन सेशन है आपका 200 क्वेश्चन को एक साथ करने वाले हैं। चलिए ये जो आपका पैसेज है, आपका पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका अपठित गदांश है जो आपका बुक से बाहर रहता है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं या फिर ये पैसेज कंप्लीट दिख रहा है। पैसेज को आप वीडियो को रोक करके क्या करेंगे? पढ़ लेंगे पूरा पैसेज। उसके बाद क्या होगा? तो फिर आपका इसका आंसर आपको समझ में बहुत अच्छा सा आ जाएगा। पैसेज को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए ध्यान से देख लीजिए पैसेज को, रोक के पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद इसका हम आंसर करा दे रहे हैं। चलिए पैसेज तो सभी को आता है पढ़ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन वीडियो है। चलिए मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है? तो धन के अभाव में। मनुष्य जो है कब दयाहीन हो जाता है? धन के अभाव में। आज मनुष्य किसकी चिंता करता है? तो रोटी की। किसकी चिंता करता है? रोटी की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है? धन के अभाव में। और आज मनुष्य किसकी चिंता करता है? रोटी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा दी है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेरोजगारी के। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी के। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं? तो बेरोजगारी के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बेरोजगारी के। आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं? तो बेरोजगारी के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यह जो आपका ये कविता है आपका अपठित काव्यांश है, जो आपका इस कविता को पढ़ करके इसका उत्तर करना होता है। आपको 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इस कविता को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को रख करके इसका आंसर हम करा दे रहे हैं। इधर भी थोड़ा सा कुछ है, इसको इधर भी आप पूरा देख लीजिए। वीडियो को अच्छा से रोक करके आपको पढ़ लेना है, ये आपका कविता है। चलिए इसका हम आंसर करा दे रहे हैं। आपको वहाँ पर पढ़ के भी आपको वहाँ पर करना होता है, खुद से करिएगा अच्छा रहेगा। चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या होगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है आज का ये वीडियो। कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है इस कविता में? तो मातृभूमि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रहा है? मातृभूमि। चलिए थाल में भाल सजा कर लाने की बात किसके लिए कही गई है? तो आपका समर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। थाल में भाल सजा कर लाने की बात कही गई है समर्पण के लिए। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सर्वत्र समर्पण का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सर्वत्र समर्पण का जो है वो कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश देना चाहते हैं। चलिए भाल पर क्या मलने को कहा गया? भाल पर क्या मलने को कहा गया है? तो चरणों की धूल को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चरणों की धूल को भाल पर मलने को कहा गया। चलिए तो इस तरह से आपका ये अपठित आपका काव्यांश भी कर लिए। अब आपका आ गया खंड खो, जो आपका व्याकरण सेक्शन होता है, यहाँ से आपको 12-13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका, चिड़िया आसमान में उड़ती है। इसमें जो है इस वाक्य में क्रिया
बताना है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा आपका ऑप्शन वन, तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आप व्याकरण का संपूर्ण व्याकरण देख लीजिए, और आपका अकर्मक सकर्मक का वीडियो देख लीजिए, और आपका विशेष सूची का वीडियो देख लीजिए, और फिर आपका यह मैराथन है उसके पहले और 5 वीडियो आपका चैप्टर मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर 5 वीडियो आपका अपलोड है, और फिर एक रात आप रात में अपलोड कर देंगे पूरा टेक्स्ट बुक का, इतना वीडियो देख लीजिए आपको 35 प्लस आ जाएगा आसानी से 4-5 वीडियो देखने से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य जो आपका क्या है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका राम कार चला रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, राम कार चला रही है क्या आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन अकर्मक क्रिया के किस वाक्य में है, आपका बच्चा रोता या क्या अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 4-3 इसका सही हो जाएगा, बच्चा रोता या क्या अकर्मक क्रिया, बाकी जो है वो गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है, वो सभी क्या सकर्मक है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होता है, जबकि अकर्मक में क्या होता है, कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है बाकी, जबकि कर्म उपस्थित नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होता है। चलिए बच्चे गीत गा रहे हैं, किस या इसमें किस तरह का वाच है, कर्तृवाच है, इसमें कर्ता का प्रधानता है, कर्तृवाच है, जिस वाक्य में कर्ता का प्रधानता होता है प्रधानता होती है कर्तृवाच कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया का सॉरी कर्म का प्रधानता होती है वह कर्मवाच होते हैं। चलिए इस तरह से आपका कर्तृवाच है, बच्चे गीत गा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, यह कर्तृवाच में बदलने बोल रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा ने प्रजा को कष्ट दिया, ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा, द्वारा का मतलब हो गया कर्मवाच में है, उसको कर्तृवाच बनाना है, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से भाववाच छाटना है, सोहन से चला नहीं जाता, आपका क्या है इमोशन को बता रहा है, ये आपका जो भी इमोशन होता है जो भाव को जो व्यक्त करता है उसको भाववाच बोलते हैं, सोहन से चला नहीं जाता यह क्या आपका भाववाच है, और सोहन के द्वारा चला नहीं जाता यह आपका क्या है कर्मवाच है, और सोहन चल नहीं सकता यह क्या आपका कर्तृवाच है। तो आपको वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा वाच का चैप्टर में कि सोहन से चला नहीं जाता वह क्या है भाववाच के उदाहरण है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रात ही रात में जो समास है आपका उसका विग्रह का समस्त पद क्या है, तो आपका रातों रात, ये क्या हो जाएगा रातों रात आपका समस्त पद है समास का, और रात ही रात यह क्या है समास का विग्रह हुआ। चलिए आपको वहाँ समास का जो टॉपिक उसको भी देखेंगे, समास क्या है, समास समस्त पद क्या है, तो समास का विग्रह क्या है, या फिर उसका कौन सा समास का प्रकार है, इसको भी आप पढ़ेंगे वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा से उसको इस वीडियो में बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह क्या कह रहा है, राजा का महल राजमहल कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, राजा का महल ये आपका तत्पुरुष समास है। घटा एक अर्थ होता है घटना, और दूसरा अर्थ क्या होता है बादल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, घटा का एक और अर्थ होता है बादल। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे अव्यय शब्द क्या है आपका और, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन इत्यादि किस प्रकार का अव्यय है, तो आपका समझबोधक अव्यय है, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे अव्यय को भी बहुत अच्छा से इस वीडियो में बताए हैं, अव्यय का प्रकार अव्यय का उदाहरण, तो आपका क्या और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन ये सभी क्या हुआ आपका समझबोधक है, तो उसका प्रकार भी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो जैसा करता हुआ वैसा ही पाता है, जो जैसा करता हुआ वैसा ही पाता है, इसमें रचना के आधार पर यह किस तरह का वाक्य है, आपका यह क्या है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, जो जैसा करता हुआ वैसा ही पाता है, तो आपका मिश्र वाक्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर किस वाक्य में प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कौन सा वाक्य कहलाता है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित वाक्य उपवाक्य होता है वो क्या होता है मिश्र वाक्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, आपका खंड गो आपका है, खंड गो आपका क्या है पठित गद्यांश और पठित काव्यांश रहेगा, जिसमें दो गो गद्यांश रहता है और दो गो काव्यांश रहता है, और आपको दो दो नंबर मिलकर आपको 4-4-8 नंबर होता है। चलिए अब इस गद्यांश को आप अच्छा से देख लीजिएगा, ये आपका गद्यांश किताब से ही रहता है, पठित गद्यांश है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, सहनाई के इसी मंगल धवनी के नायक बिस्मिल्ला खां का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर को हम करा दे रहे हैं, नवाज के बाद बिस्मिल्ला खां खुदा से क्या मांगते थे, तो इसका सच्चा सूर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, नवाज के बाद जो है आपका बिस्मिल्ला खां खुदा से सच्चा सूर मांगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहनाई को
मंगल धोनी का नायक किसे माना गया है, किसे माना गया था आपका बिस्मिल्ला खां। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, शहनाई की मंगल धोनी का नायक किसे माना गया है, तो बिस्मिल्ला खां को। चलिए इस तरह से आपका एक एक आपका गद्यांश हो गया। दूसरा गद्यांश आपका ये आपका, इसको भी देख लीजिए, और दोनों गद्यांश को करने के बाद आपको दो दो चार नंबर आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। ये इसको भी आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये आपका चलिए आप दिख रहा है ना, इसको अच्छा से आप इसको पढ़ लेंगे। ये आपका गद्यांश है, जो पठित गद्यांश है बुक का रहता है, उसको फादर को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस तरह से आप पैसेज को पढ़ लीजिए गद्यांश को, जो किताब का रहता है। इसके बाद उसका उत्तर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, पैसेज को पढ़ लिए होंगे। देखिए अच्छा से पढ़ लीजिए, अब बड़ा कर दिए, जूम कर दिए, अब इसको अच्छा से आप पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए, और पैसेज को पढ़कर आप वीडियो को रोक करके पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। सब पैसेज में लिखा रहता है। चलिए इसका जो क्वेश्चन आपका है, किसको देखने का देखने किसको देखने करुणा के निर्मल जल के स्नान करने जैसा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामिल बुल्के। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, कामिल बुल्के को देखने का जो है करुणा के निर्मल जल के में स्नान जैसा है, करुणा बुल्के को, करुणा बुल्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, यह परिमल क्या है, तो साहित्यिक संस्था का नाम है। परिमल क्या है, साहित्यिक संस्था का नाम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब पठित काव्यांश को देखिए, यहाँ पर एक दो गो यहाँ पर भी रहेगा। अब इसका ये आपका एक कविता है, इसको पढ़ लीजिए, विकल विकल उन्नत में थे, पूरा कविता का आप याद कर लीजिए, आपको यहाँ से दो तीन नंबर आपको कविता से भी आ जाएगा। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कुछ है, प्रस्तुत कविता प्रस्तुत पदांश में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तो विकल और उन्मन। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, विकल और उन्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निदाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गर्मी। निदाद निदाघ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गर्मी। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, निदाद किसको बोलता है, गर्मी को। अब नेक्स्ट आपका जो कविता है आपका काव्यांश है, इसको आप इसको भी आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही, इस तरह से आप उसको पढ़ लेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई, तो आपका किसका, गोपियों की। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, गोपियों की जो है मन की बात मन में ही रह गई। चलिए कविता को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, तो योग का। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या संदेश भिजवाया, योग का, किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक शुरू होता है, यहाँ से आपको 11 नंबर आता है इस सेक्शन से, खंड घ से। चलिए कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है, इसका सही उत्तर होगा नव शिशु। ऑप्शन नंबर एक सही जगह, कवि ने जो है नव शिशु जो है कि माँ को क्या कह रहा है, धन्य कह रहा है। फसल जो आपका एक फसल कविता है, फसल कविता के अनुसार बताया कि फसल किसका बदला हुआ रूप है, तो उसका सूरज की किरणों का। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदला हुआ रूप है, तो आपका सूरज की किरणों का। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया, तो सही उत्तर हो जाएगा अनंत के घन। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया, तो अनंत के घन। चलिए बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि रोपनी किसे कहते हैं, धान की रोपाई को। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, रोपनी कैसे कहते हैं, धान की रोपाई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी, तबका या फिर अथवा में है नेताजी का चश्मा पाठ में, नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर की। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा संगमरमर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फादर को याद करना कैसा संगीत सुनने जैसा है, तो आपका उदास शांत। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, फादर को याद करना जो है वो उदास शांत संगीत जैसा सुनने के जैसा है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपका, शहनाई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो शहनाई को। शहनाई किसको किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, शहनाई को। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, लेखिका ने गंगटोक का किन लोगों का शहर बताया, या किसको बताया, मेहनतकश बादशाहों का। ऑप्शन नंबर दो इसका सही हो जाएगा, लेखिका ने गंगटोक जो है को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर
बताया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेखिका के ड्राइवर कम का गाइड, लेखिका लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? तो आपका जितेन नारगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या है? जितेन नारगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट पहने। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की क्या परेशानी थी? तो वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? तो जिंदा नाक, ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। अंत में मूर्तिकार ने जो है आपका जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब आपका लास्ट सेट है आपका 5वां सेट, क्योंकि इस वीडियो में 5 सेट को करने का बात कहें और टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। चलिए ये आपका अंतिम सेट है, सेट 5। चलिए सेट सब निर्देशन आपको पता है सभी को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये सेट 5 का, जो आपका गदांश है इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो आपका क्या है आप पठित है, आराम से इसको वीडियो को देख करके रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर थोड़ा सा वीडियो को फिर आपको थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आप पूरा गदांश को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब पूरा गदांश क्या होगा आपको दिख पा रहा है, पूरा पैसेज आप पढ़ के उसका उत्तर खुद करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम पैसेज का आंसर को कर दे रहे हैं। ये जो गदांश आपका अपठित है, जो आपका बुक का नहीं होता है, और आपको 4 नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? तो पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर 1 इसका, सॉरी 3 इसका सही हो जाएगा। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? तो पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाछ वृक्ष का क्या नहीं होते हैं? तो दांत नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2 इसका। गाछ वृक्ष का क्या नहीं होते? दांत। चलिए गाछ वृक्ष किस प्रकार किस माटी द्वारा समाप्त गाछ वृक्ष किस के द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, जड़ के द्वारा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन पूछता है इस गदान से अपठित वाला से, पेड़ कब मर जाता है? तो पानी न मिलने पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा IQ अपना सही कर लेंगे तो सभी प्रश्न के आंसर आप कर पाएंगे इस तरह का, पठित और अपठित का 8 नंबर आपको आसानी से आपको मिल जाएगा। और जितना वीडियो हम करा रहे हैं सभी वीडियो का आप वॉच करते हैं, रेगुलर वीडियो आप वॉच कीजिए और एकदम पूरा फुल वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सभी प्रश्न को आपको अच्छा से आप समझ भी जाइएगा और याद भी करने में आपको आसानी होगा। इस पैसेज को इस कविता को आप पढ़ेंगे, अपठित काव्यांश है ये कविता जो आपको दिख रहा है, इसको आप अच्छा से वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे और आपको वहाँ पर भी आपको परीक्षा में भी आपको अच्छा से पढ़ लेना, उसके बाद उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, चलिए अब तो दिखता होगा, मत कहो तुम या पेड़ या लजावन है। चलिए इस तरह से आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन का हम आंसर करा दे रहे हैं, हमें क्या नहीं काटना चाहिए? तो क्या नहीं काटना चाहिए? पेड़, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, पेड़ नहीं काटना चाहिए। संसार के बाद किसकी तरह पछताओगे? संहार के बाद किसकी तरह पछताओगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक की तरह, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अशोक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेड़ हमें क्या देते हैं? तो शीतल छाया देते हैं, क्या देते हैं? पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सस्य श्यामला किससे कहा जाता है? सस्य श्यामला किसे कहा जाता है? तो हरी भरी धरती को, ऑप्शन नंबर 3 सस्य श्यामला जो है हरी भरी धरती को कहा जाता है। इस तरह से आपका पैसेज आपका 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जब आपका खंड खो आता है आपका व्याकरण का, जो आपका 12 नंबर यहाँ से आपको पूछा जाता है व्याकरण का खंड से। चलिए माली ने फूल तोड़े, इसमें वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है, फूल क्या है? कर्म है, माली क्या है? कर्ता है, और तोड़े क्या है? क्रिया है। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म तीनों हो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। तो इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है माली ने फूल तोड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक सकर्मक से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप उस वीडियो को अकर्मक सकर्मक वाला वीडियो का आप अच्छा से देखिए और 2-3 नंबर आपको यहां से आपको मिल जाएगा। चलिए अकर्मक पूछ रहा है, तो मोहन सो रहा है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है। मोहन सो रहा है, इसमें क्या है? कर्म नहीं है। मोहन क्या है? कर्ता है। सो रहा है क्या है? क्रिया है। जबकि कर्म क्या है? उसमें नहीं है, इसलिए मोहन सो रहा है, यह क्या है?
अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्ता और कर्म, कर्ता और क्रिया रहता हो लेकिन कर्म नहीं रहता हो, ऐसे वाक्य को अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और आपका सीता गाना गाती है क्या सकर्मक है, सीता क्या है कर्ता है, गाना क्या है कर्म है, गाती है क्या क्रिया है, तो इसमें कर्म और कर्ता क्रिया तीनों है। वो किताब पढ़ता है वह क्या है कर्ता है, किताब क्या है कर्म, कर्म है, पढ़ता क्या क्रिया है, तो इसमें भी क्या है कर्ता कर्म और क्रिया तीनों है। लता चाय पी रही है, लता क्या है कर्ता है, चाय क्या है कर्म है, पी रही क्या है क्रिया है, तो इसमें भी कर्ता कर्म और क्रिया तीनों है। तो जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित रहता हो ऐसे वाक्य को सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो लेकिन कर्म उपस्थित ना हो ऐसे वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको उस वीडियो में बहुत अच्छा से हम उसको एक्सप्लेन के साथ परिभाषा विथ एग्जाम्पल कराए हैं बहुत सारा। आप उस वीडियो को आप देखिए और यहाँ से आपको अकर्मक सकर्मक से आपको 2-3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और संपूर्ण व्याकरण का भी वीडियो है उसको भी आप देखिए। और इस तरह से आपको 35+ आपको ऑब्जेक्टिव में सभी को आ जाएगा यदि 4-5 वीडियो का आप वॉच कर लेते हैं पूरा 3-4 बार। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो क्या सोहन देर तक सोता है, क्या है सकर्मक क्रिया नहीं है अर्थात वह अकर्मक है। सकर्मक नहीं मतलब क्या अकर्मक ही ढूंढना है ना। तो सोहन देर तक सोता है क्या अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका से जो बाकी जो है विद्यार्थी कक्षा पढ़ रहे हैं क्या अकर्मक क्रिया है, मैंने उसे पुस्तक दी है भी क्या सकर्मक है, रामा पत्र लिखती है सब क्या है सकर्मक है। तो आपका अकर्मक बताना था इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो इसमें कौन सा वाच है, द्वारा है तो क्या हो जाएगा कर्मवाच, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। द्वारा जहाँ पर भी रहा समझिए वो कर्मवाच है। मोहन चला नहीं सकता, ये इस तरह का है भाववाच में परिवर्तित करना है तो क्या हो जाएगा मोहन से चला नहीं जाता, मोहन चल नहीं सकता, इसका इसका भाववाच कैसे होगा मोहन से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इमोशन को बताना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है क्या कहता है कर्तृवाच, जिस वाक्य में कर्ता की काम की प्रधानता दी जाती है वो कर्तृवाच होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है उसको कर्मवाच बोलते हैं। चलिए जिसमें भावना की व्यक्त होता है इस वाक्य में वो क्या है भाववाचक हो जाएगा। चलिए जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा प्रधान हो और प्रधान हो, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता हो वह कौन सा समास होगा आपका अव्ययभाव, अव्यय अविभाव क्या हो जाएगा पहला पद अव्यय हो तो अविभाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका नीलकंठ, नीलकंठ किस प्रकार का समास है तो आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नीलकंठ किस तरह का समास है वो किस समास का उदाहरण है तो बहुव्रीहि समास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्ति का एक अर्थ जो वह पेशा है और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा स्वभाव, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। वृत्ति का एक अर्थ पेशा है दूसरा अर्थ आपका स्वभाव होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का डैश है उसके बाद क्या छक्का मारा इसका, इसमें अभी अभी इस पद को चुनना है क्या हो जाएगा वाह, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या छक्का मारा, उस वीडियो को आप देखेंगे संपूर्ण व्याकरण का सभी क्वेश्चन उससे आपको देखने को मिलेगा और परीक्षा में भी आपको सभी क्वेश्चन उसी से आ जाएगा आप यदि पूरा अच्छा से देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल क्रिया कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो उन्हें अव्यय किस तरह का अव्यय कहते हैं तो उसका आपका है अविकारी, क्या बोलते हैं अविकारी, अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है अविकारी, अव्यय को अविकारी भी बोलते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल क्रिया आदि कारक ये सभी के कारण जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय किस तरह का अव्यय बोलते हैं अविकारी कहते हैं। वो अव्यय जो है वो क्या कहलाता है अव्यय को दूसरा नाम क्या है, वो तो अव्यय का परिभाषा है लेकिन अव्यय को दूसरा नाम क्या है अविकारी, अव्यय का दूसरा नाम अविकारी, ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा। साधु ने आशीर्वाद दिया गायब हो गया और साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया ये किस तरह का वाक्य है, यह आपका संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया वह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे रचना के आधार पर किस तरह का वाक्य है तो मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 3-4 इसका सही हो जाएगा। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे वो आपका मिश्र वाक्य है। वीडियो को 4-5 बार देखिए आपको सभी का प्रश्न का उत्तर आपको याद हो जाएगा, आपको रटा देंगे आप, मेरा मकसद है कि सभी प्रश्न का आंसर आपको याद करा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका खंड गो है जो आपको यहाँ से पठित गद्यांश और काव्यांश देखने को मिलेगा और आपका दो गद्यांश और 2 काव्यांश रहेगा जो 2-2-4 और इधर 2-2-4 मतलब 8 नंबर का, इससे भी आपका आएगा खंड गो से। चलिए ये आपका गद्यांश को देख लीजिए इसके बाद इसका अच्छा से पढ़ लीजिए इसके बाद इसका क्वेश्चन को हम
करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन इसका क्या है, नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया, जिसका सही उत्तर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 3, नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है, हम गौर कर रहे थे कि हम शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो इसमें लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ, किसके लिए, लेखक के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हम गौर कर रहे थे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लेखक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका दो पैसेज हो गया, ये आपका पैसेज है, फिर एक गदांश यहाँ से भी रहता है, इस गदांश से भी आपका दो नंबर रहेगा। चलिए लेखिका यहाँ लेखिका कहाँ के भाषण की चर्चा कर रहे थे, अजमेर के। ऑप्शन नंबर 2 उसका सही, इस पैसेज को पढ़ेंगे आपको ये बात मालूम हो जाएगा कि लेखिका कहाँ के भाषण की चर्चा कर रहे थे, तो वो आपका कर रही है, तो आपका अजमेर का। ऑप्शन नंबर 2 उसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ डॉक्टर साहब ने किसकी प्रशंसा की, तो लेखिका के। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, यहाँ डॉक्टर साहब ने लेखिका की प्रशंसा की। अब इस तरह से आपका पठित गद्यांश को हम लोगों ने कर लिया, अब आपका बारी आया पठित काव्यांश को करने का, यह पठित काव्यांश है, उस तरह से दो काव्यांश को करेंगे, दो दो चार नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए इसको देखिए, इस कविता को आप अच्छा से पढ़ लीजिए, यह क्या आपका, ये जो आपका कविता देख रहे हैं स्क्रीन में, इस कविता को आप अच्छा से पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर करने का कोशिश करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है, इसका क्वेश्चन अब क्या है, कवि ने किसके पूजन की बात कही, तो जीवन की कटु सच्चाई की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, कवि ने किसके पूजन की बात कही, तो जीवन की कटु सच्चाई की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति का भाव क्या है, तो आपका सुख दुख के जीवन के अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति का भाव क्या है, तो सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है, जीवन के दो पहलू है सुख और दुख, सुख और दुख दोनों क्या है, जीवन के अभिन्न अंग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इस तरह से एक और आपका काव्यांश रहता है, दो काव्यांश रहता है, दोनों को करने के बाद आपको चार नंबर आपको मिलेगा, तो ये इस काव्यांश को भी आप देख लीजिए, इसको भी आप अच्छा से पढ़ लीजिए। ये आपका ये जो आपका कविता है इसको भी आप अच्छा से देख लीजिए, जो आपका यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, यहाँ पर आपका पठित काव्यांश और गद्यांश दोनों बुक का रहता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रस्तुत काव्यांश का कवि कौन है, तो नागार्जुन। ये जो आपका दंतुरित मुस्कान किसके द्वारा लिखा गया, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ये कविता जो है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आपका दंतुरित का क्या अर्थ होता है, तो नए नए दांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, दंतुरित का अर्थ क्या होता है, नए नए दांत। इस तरह से आपका यह भी सेक्शन आपका कर लिया गया। अब लास्ट में आपका बचा हुआ टेक्स्ट बुक, जो आपका टेक्स्ट बुक सबको 11 नंबर का का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कौन कवि हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है, तुलसीदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास। तो आपका जो ये जो कविता है आपका, कविता का नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये इस कविता का लेखक कौन है, सॉरी उस कविता का कवि कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा ये कविता लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाया मछूना ये कविता के कवि कौन है, तो गिरिजा कुमार माथुर। आप यहाँ से आप एक आपका विषय सूची का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, 5-6 मिनट का वीडियो, और वहाँ से आपको दो नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, पूरा कवि और कविता का नाम और पूरा लेखक और कहानी का नाम, इसको आप पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे कि छाया मछूना कविता का कवि कौन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस तरह से पूरा कविता का और कवि का नाम लिस्ट है, पूरा विषय सूची उसमें बताया गया है, और आपको वहाँ से आपको भी दो नंबर आपको आ जाएगा। छाया मछूना कविता के कवि कौन है, गिरिजा कुमार माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, माँ ने किसे देखकर नो रिझने का आदेश दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेहरे को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, माँ ने किसे देखकर नो रिझने का आदेश दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेहरे को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लेखक बाल गोविंद भगत की क्रिया, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुर गान पर। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो मधुर गान पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के पहनावा
नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? तो इसका सही उत्तर था कैप्टन की मृत्यु हो गई इसके कारण, कैप्टन की मृत्यु हो गई इसके कारण वो नेताजी का चश्मा जो पाठ में जो है पान वाला उदास हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाह खास सहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? जन्नत, क्या मानते थे? जन्नत। बिस्मिल्लाह खा जो है वो सहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? जन्नत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है? तो आपका इसका लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो का लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम कौन है? मधु कंकरिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता कौन है? तो मधु कंकरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो शिवभूजन शाह। सभी इस वीडियो को आप देखेंगे जो विशेष सूची वाला वीडियो, वहाँ से आपको 2-3 नंबर आपको आ जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी का जो कविता का रचयिता कौन है? मधु कंकरिया। और माता का आंचल पाठ का लेखक कौन है? तो शिवभूजन शाह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जॉर्ज पंचम की नाग व्यंग कब की घटना का उल्लेख है? तो आपका इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की, जॉर्ज पंचम की नाग में जो व्यंग है वो कब की घटना है? तो आपका इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाक किसका घोतक होती है? मान सम्मान या प्रतिष्ठा का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नाक किसका घोतक होती है? मान सम्मान या प्रतिष्ठा का। तो इस तरह से इस वीडियो में देखें कि यह मैराथन सेशन था, इसमें आपका टोटल 5 सेट को हमने बहुत अच्छे तरीका से एक्सप्लेन किए। अब जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो हम लाने वाले हैं इसमें क्या होगा, पूरा टेक्स्ट बुक का, पूरा टेक्स्ट बुक का जितना भी आपका बुक है पूरा सभी बुक को एक ही वीडियो में लाएंगे। जो आपका टेक्स्ट बुक का 10 से 15 नंबर आपका उससे पूछता है किताब से, उस बुक का एक ही वीडियो में सभी को हम एक वीडियो में हम सभी कहानी कविता को हम एक वीडियो में प्रस्तुत करेंगे जो आपको 10 नंबर उस वीडियो से भी आ जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।